सोलन में बरसात के दिनों में भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। शहर में पैदा हुए इस जल संकट के बीच अब नगर निगम सोलन अवैध कनेक्शन की जांच कर रहा है। उपायुक्त सोलन के आदेशों के बाद शुरू की गई इस जांच के दौरान प्रत्येक वार्ड में अवैध कनेक्शन मिल रहे हैं। नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता कप्टा ने कहा कि अवैध कनेक्शन किस कारण लगे हैं ये तो उन्हें नहीं मालूम, लेकिन प्रत्येक वार्ड में इस तरह के कनेक्शन की भरमार है। उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल एक्ट है और वह नगर निगम नियम अनुसार इस पर कार्रवाई अमल में ला रही है। उन्होंने कहा निगम द्वारा निरंतर जांच की जा रही है जिसकी रिपोर्ट उपायुक्त सोलन को सौंपी जाएगी। भी वार्डों में जो है यही सामने आ रहा है कि अवैध कनेक्शंस की जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये दुख भरी बात है कि ऐसी स्थिति है। ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यही चीज़ मैं दोबारा से यही दोहराऊंगी कि सब लोग जो है काफ़ी अच्छे इनकम सोर्स है सबके, उनको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। अगर किसी के पास कनेक्शन नहीं है तो हम उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं कनेक्शन, वो कॉरपोरेशन को अप्रोच करें। तो अनऑथराइज कनेक्शन लेना बिल्कुल गलत है, क्रिमिनल एक्ट है और इसके अलावा हमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है इससे। तो इस पर जो है कार्यवाही चल रही है, आती रहेगी और डीसी साहब को हम इसकी जो है रिपोर्ट देंगे।